3 lakhs. Find out operating and financial leverage. Find out operating and financial leverage. आप लोगों को मैंने सब कुछ दे दिया, क्या बनाओ? पहले क्या बनाओ? फिर कहां से कहां तक? सेल्स से लेकर ईबीटी, फिर क्या करोगे? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या ढूंढ के दोगे? ओएल और स्टार्ट करो. Guys, just revise the formula and we'll start in 1 minute. The formula, next question ho jaye, fir hum sheet shuru karenge. Everyone, yeah, yeah. Let's start with the questions here. Get settled out. मैंने PDF आपके स्क्रीन पे दिए बच्चों, जो लोग ऑनलाइन है उस PDF को यूज करके विल बी सॉल्विंग द सम्स. ठीक है, ओएल एंड एफएल इज डन. व्हाट इज आंसर ऑफ ओएल? 1.33 को जानना और उसे वैल्यू करना कि रिस्क है कितना. सर अगर ओएल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितना ओएल ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा, जितना ओएल कम उतना रिस्क भी कम. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? सर जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है. रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम रिटर्न कम. तो बेसिस क्या बनता है? सर इट इज नॉट दैट रिस्की चीजें प्रॉफिटेबल नहीं होती, पर प्रॉफिट का चांसेस कम होता है. तो यू हैव डबल एक्स वर्ड, यू कैन हैव गुड प्रॉफिट्स और यू कैन हैव अ बैड लॉस. ठीक है, अब हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट सीखा था. सेल्स में से क्या माइनस करते थे? वेरिएबल कॉस्ट. एंड वी माइनस वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम से व्हाट वी गेट? वी गेट कंट्रीब्यूशन. वी गेट व्हाट? वी गेट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हमें क्या मिलता है? ईबीआईटी. क्या मिलता है? ईबीआईटी. ईबीआईटी में हमने क्या माइनस किया? इंटरेस्ट. तो हमें क्या मिलता है? ईबीटी. यहां तक में से जैसे हमें ईबीटी मिलता है,
हमारा इनकम स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो फिनिश ऑफ होता है यहाँ तक। आगे भी तो आपने दिया है, आगे जो दिया वो अभी काम में नहीं आएगा, आगे जाकर काम में आएगा, विल रेफर टू इट ईपीएस ढूंढने के लिए। लेवरेज के लिए कहां तक काम में आता है? ईबीटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ओल का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फिर सेकेंड फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये दो क्लियर है, ठीक है। आपने एक बेसिस लिया, अब एक और चीज आपको बेसिस बनाऊंगा, लिखना मत, ठीक है सर। ऑपरेटिंग लेवरेज समझ में आया, फाइनेंशियल भी समझ में आया, तो सर तीसरा लेवरेज भी होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंबाइंड लेवरेज। कौन सा लेवरेज? मतलब सर अगर मैं ऑपरेटिंग दोनों को मर्ज करके फाइनल पूरा रिस्क ढूंढना चाहता हूं कोई कंपनी का, तो सर दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्टार्ट कहां से होता है? पता है कॉन्ट्रीब्यूशन से, और एंड कहां पे हो रहा है? ईबीटी। तो आपको क्या करना है पता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी करना है, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो दोनों को लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, एंड फाइनली यू गेट व्हाट? कंबाइंड। वो कोई अलग लेवरेज नहीं है, अलग मेथड नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट है। तो सिर्फ क्या है, व्हेन यू मर्ज बोथ यू गेट थर्ड वन, दैट इज कंबाइंड। तो कंबाइंड लेवरेज का अलग फॉर्मूला है, आंसर इज नो। करना क्या उसके अंदर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, यू गेट विच लेवरेज? You get combined leverage in front of you. Are you clear with this? ठीक है, तो what you're going to go for? We're going to go for the first question on the screen, everyone. Question number one. Exam question, November 2022, right? So शुरू करते हैं। First question आपके PDF screen पे है, और प्लस आपके notes में भी printout available है। तो आपको जो use करना है करो, जो आदत हो आपको। शुरू करूँ मैं? पहले हम read करेंगे, फिर मैं Excel में लिखूँगा, लेकिन मैं नंबर्स नहीं डालूंगा, आई यूज द फॉर्मेट ओनली। फॉर्मेट के नंबर्स कौन डालेंगे? आप लोग, और फिर हम उसको कंफर्म करते जाएंगे। एक भी सम मैं सम सॉल्व बोर्ड पे नहीं करूंगा पहले, एक भी सम नहीं। जितनी भी सम मैं आपको करवाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले सिखा दूंगा पूरा, और आपको राइट है गलती करने का भी और ना करने का भी। तो यू शुड नॉट बी अशेम्ड इन केस इफ यू गेट रॉन्ग, एंड यू शुड नॉट बी अशेम्ड और यू शुड नॉट बी टू हैप्पी इफ यू गेट इट राइट। मुद्दा क्या है, अगर मैंने लिख दिया तो आपको आने वाला है ही, उसमें कोई डाउट ही। हाउ डू यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस? जब मैंने सॉल्व किया नहीं होगा, और तुमको चाहे दो भी आ जाएंगे ना अच्छे से, तो आपको गलती भी पता चलेगी कि आपने कहाँ अटक गए। नंबर टू, यू विल बी लर्निंग बेस्ड ऑन द सेम, क्योंकि अमीना एनी डे इन योर लाइफ इंटर्न से जितने सम्स होंगे वो वापस करने का मौका कभी मिलने वाला। You cannot do all the sums in writing again when you go home, even if you study for 12 hours a day. नहीं कर पाओगे, तो आपके पास एक ही रास्ता है सम को रखा क्लास के अंदर, उसके बाहर जाने के बाद 10 है ना बेटा, तो पांच ही करोगे, पांच तो सिर्फ तीन ही करोगे, क्यों? टाइम कम है सर। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग? समझ लो माइंड का स्टूडेंट, सर मैं ना सब लिख लूंगा और फिर घर पर जाके मस्त पढ़ लूंगा, ये माइंड सेट को छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू बी सो फोकस्ड, so focused that you are ready to be ashamed in the class in terms of solving what you want to, getting wrong what you want to, scribble it, cut it, fake it, जो भी करना करो, आपको जहां लगे आपने गलती करी वापस करो, लेकिन try करो, क्या करो? Try, so we'll do that. सुनते हैं यहाँ पे क्या दिया है। नीचे पूछा गया, you are required to find out, you are required, everyone, कुसुम योग्यता भी ready, मोक्षार भी ready, सृष्टि भी ready, you are required to find out what? So they have asked us to find out operating leverage, combined leverage and financial leverage. So हमें ये चीज पूछी जाती हो ना बेटा, तो हमारा पता है काम क्या है? Can you see the Excel sheet everyone? ठीक है, जब ये पूछे तो हमारा काम होता है to make what? To make income statement. So what we are going to do? So we know the format, yes or no? So we need to find out operating, financial and combined leverage. तो मेरा काम what we are targeting is कि sir let's make the format first. तुम लोग ना एक second के लिए रुक जाना, sales less what variable cost gives you what? Contribution less kya fixed operating cost gives you what? EBIT.
less interest gives you what? ठीक है, अब ये आपका फॉर्मेट है जो आपको मेंशन करना है. अब ये फॉर्मेट के अंदर गाइस व्हाट इज योर टास्क टू फिल अप द नंबर्स, डू यू अग्री? तो नंबर्स को शुरू करने से पहले पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन को वापस देखते हैं हम लोग. क्या आपको सेल्स के लिए कंपनी ए और कंपनी बी का डेटा दिया हुआ है? ठीक है, सेल्स आप कैसे मिलेगा, सेल्स कैसे मिलेगा आपको, चेकआउट. सेल्स के लिए आपको क्या दिया गया है और क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस और जो आप सेलिंग प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, सेल्स. डू यू अग्री? सेल्स मिलने के बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, ये रहा, उसको आप किसे मल्टीप्लाई करोगे, आउटपुट से, तो क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. उससे आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन. क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन. यहाँ ये रहा आपका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन सा है, 7 लाख है, 40 लाख, वो माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ईबीआईटी. पर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन इंटरेस्ट की डेट की वैल्यू दी है, कितनी है, 4,05,000. उसका ब्याज का रेट क्या दिया है, 12% पर एनम दिया गया है. तो आप लोग क्या करोगे, 4 लाख इंटू 12% या फिर 6,50,000 इंटू 12%. उससे आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट. जैसे ही वो फिक्स हो जाएगा हमें क्या मिल जाएगा, ईबीटी. उसके नीचे फिर OLFLO सेल फॉर्मूला लिखेंगे और हमें आंसर मिल जाएंगे. बोलो हाँ या ना. अब मैं यहाँ पे आपको मौका दे रहा हूँ सॉल्व करने का, लेकिन एक सेकेंड रुक जाओ. कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों हम साथ में कर लेंगे, होल्ड ऑन. और यहाँ पे बेटा जस्ट अ मिनट, अभी भी कुछ मत करना, गुस्सा मत दिखाओ, रुक जाओ. यहाँ पे लिखने के बाद बेटा यहाँ पे क्या लिखने का, ओएल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फॉर्मूला अपन क्वांट अपॉन ईबीआईटी. फिर यहाँ पे लिखेंगे एफएल का फॉर्मूला क्या होगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. और तीसरा सीएल का फॉर्मूला वो क्या लिखेंगे, क्वांट अपॉन ईबीटी. बस अब आप रेडी हो विद द सेम फॉर्मेट, तो क्लियर है आपके मन में, डेटा आप इनपुट करोगे यस और नो, शुरू करो. ट्विंकल युक्ता है सर, शुरू तो क्वेश्चन फॉर्मेट समझ में आ गया, क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पे. फॉर्मेट आपको पता है ऑलरेडी क्या है, ये आपका फॉर्मेट, ये आपका क्वेश्चन. ट्विंकल मोक्षा कुसुम क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन दिखाओ या फॉर्मेट दिखाओ, बताओ मुझे. क्वेश्चन ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, मोक्षा has given the answer. Let me check the answer. Ajas, everyone message on everyone point. Single message मुझे मत करो, सबको दो. बेटा हुआ? फॉर्मेट ओपन किया, चेक करो.
हो गया। बेटा आराम से करो, फेयर में करो, ऐसा करो, ऐसा ना हो कि आप खाली स्क्रिबल करके वापस खुद को समझ में ना आए क्या लिखा है। इसी चलो जस्ट चुपचाप, आई हैव नॉट गॉट योर आंसर। कंबाइन एवरेज 60 कैसा है? 60 कंबाइन एवरेज कितना है अपना? 2.28। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईबीटी बेटा क्या लिखा है आपने? जस्ट ठीक हेल्प मी द आंसर अमीना। सेल्स कितना है? सेल्स इज 80,000। इंटरेस्ट डेट वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट 12%, दैट इज हाउ यू गेट योर इंटरेस्ट। जस्ट मेंशन हियर डेट इनटू इंटरेस्ट रेट। फाइनली यू गेट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी upon EBT and contribution upon EBT. Check the answers. Twinkle, Moksha, Kusum, getting these answers to confirm. यहाँ पे सिद्धि क्या गलती किया? हो गया इस इट नॉट गेटिंग कूल कुछ नहीं हो रहा है। चलो तो मैं मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। या चलो going to the next question. Yes, आगे जाओ। Yes, चलो।
Question number five should be your next question. यहाँ से सुनो, annual sales of a company is rupees 60 lakh. तो annual sales आपको mention करा है how much? 60. Now they have not given you variable cost का value, but they have told you sales to variable cost ratio is how much? सब लोग keep calci with you. यहाँ पे ध्यान दो, उन्होंने स्क्रीन पे ध्यान देना. Sales to variable cost ratio मतलब क्या है? Sales upon variable cost. Sales upon is how much? 150. मतलब क्या? 150 upon 100. तो sales to variable cost ratio question कहता है 150% है. यानी अगर sales 150 है, तो variable cost 100 है. अगर sales 150 है, तो variable cost 100 है. इस question में sales कितना है? 60 lakh. तो भी variable cost कितना होगा? तो सेल्स 60 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय 150. हेलो, तो यहां पे उनका वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू 100 डिवाइड बाय 150. तो सेल्स का वैल्यू कितना है? तो आप लोगों को सुनो सुनो, तुम लोग को कैलसी पे करने के था. कैलसी पे, कैलसी पे आंसर क्या आया? 40. तो आपको पता चला हाउ डू यू गेट वेरिएबल कॉस्ट हियर? स्लाइटली हायर लेवल, स्लाइटली. पहले वाले समय सब कुछ डेटाबेस था, यहाँ पे उन्होंने एक अमाउंट नहीं दिया था, हम हमें ढूंढना था, राइट? अब वो हमें मिल गया एज वेरिएबल कॉस्ट. वंस यू गेट वेरिएबल, व्हाट विल यू गेट डायरेक्टली गाइस? कंट्रीब्यूशन. वंस यू गेट कंट्रीब्यूशन, व्हाट यू वांट नेक्स्ट? चेक करो मिला है क्वेश्चन में है कि नहीं है. द फिक्स्ड कॉस्ट एज एन इंटरेस्ट इज रुपीज 5. तो यू हैव गॉट इंटरेस्ट आल्सो, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो, एंड दे हैव सेड अस के ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट वैल्यू इज हाउ मच? 11% ऑफ रुपीज 30 लाख. मतलब कितना? 3,30,000 होगा. 11 × 33. कैलसी को यूज मत करो, नहीं किया ना. 3,30,000. एंड आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. सर सुनो सुनो सुनो, एक मस्ती आपसे हो सकती है. सेल्स लिखोगे, सेल्स के नीचे जब वेरिएबल कॉस्ट लिखोगे तो क्या करना? सेल्स इनटू 100 डिवाइड बाय ऐसा लिखना, नहीं तो मार्क्स मिलेगा नहीं. उसके बाद 40 लाख लिखना, फिर तो आप आराम से इनकम से बना के सॉल्व कर सकते हो. इसको मैं सॉल्व करूंगा 5 मिनट के बाद, तब तक आप लोग सॉल्व करो. समझा? आपको जब 5 मिनट हो गया, हाउ मेनी मिनट? 5. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मेक इनकम स्टेटमेंट सेल्स से लेकर ईबीटी तक. मेक अ इनकम स्टेटमेंट सेल्स से ईबीटी. सेल से शुरू करना है, 6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 40. तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन कितना? 20 माइनस 5 लाख का एफओसी कितना बचेगा? 15 में से जाएगा ब्याज कितना? 30. एंड फाइनली यू विल गेट योर इक्विटी वैल्यू. तो इमेजिन करो कल हमने जो कंटेंट पढ़ा कॉन्सेप्चुअली, उसके सामने ये कंटेंट लिखना कितना आसान है. इज नथिंग. So Moksha Jain has given the answer again. 1.33 is well. 1.28 is FL. Moksha, beta, aapke notes bhejna baad mein. I want to see aap likhte to ho. Aage aap samajh mein hai. Segment ho gaya.
फोर डेसिमल को लेके छोड़ दे, अगर बहुत ही परफेक्ट चाहिए तो बाकी फोर डेसिमल भी चलेगा। तो जब हमें वेरीफाई करना होगा ना वेरीफाई, तब हमें चार डेसिमल यूज करना पड़ेगा तो वेरिफिकेशन एक्यूरेट होगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं करना है तो दो डेसिमल्स भी चलेगा, दो डेसिमल्स को लेके चलेंगे। हो गया, आंसर्स आर 1.33, 1.28 एंड 1.70। यस सही है, बोला था आप लोग मुझे सिखा दोगे ना ये था। ठीक, तो वी आर फिनिश्ड एंड वी वेट फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स मोर, फिर हो जाएगा आपसे एग्जाम। एग्जाम क्वेश्चन 5 मार्क्स जो अभी आपने किया, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता, पर जो होता है वो मैं आना चाहिए। इवन हियर पीपल मेक मिस्टेक, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल बी अ एरर ऑफ एरिया ऑफ मिस्टेक। जरा सा भी सिस्टमैटिक एरर करोगे सबका हो गया। दृष्टि जैन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा और अमेजिंग होगा। अ कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स। एवरीवन इन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग देख लो, गिवन डेटा देखो वहां पे, गिवन डेटा क्वेश्चन नंबर 6 गिवन डेटा में लिखो प्रोडक्शन लेवल 5000 यूनिट्स, प्रोडक्शन लेवल 5000 यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ₹60 per unit, कॉन्ट्रीब्यूशन ₹60 per unit। कैन आई गेट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन? यस, बिकॉज आई हैव प्रोडक्शन लेवल एंड ऑल्सो आई हैव कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, मुझे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ऑपरेटिंग लेवल इज 6 times, देखो वहां पे ओएल इज 6 times, कंबाइन लेवल इज 24 times, and the tax rate is how many percent? Write it down, 30%. What will be earnings after tax? What will be earnings after tax? अभी है ना, please यहाँ पे ध्यान देना। Question में आपको पूछा गया है क्या? Question में आपको earnings after tax पूछा गया है। ठीक है? अब है ना? There are two ways to solve this sum. अभी आपको यहाँ पे मौका मैं नहीं दूंगा सोल्व करने का, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सर मेरा पहला काम पता है क्या है? सर मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर? ईएटी चाहिए। क्या चाहिए? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो मेरा ध्यान होना चाहिए जो मुझे चाहिए ना वो लिख लू पहले इन माई इनकम स्टेटमेंट, माई फर्स्ट बेसिस इन एग्जाम्स, कि जो पूछा है उसको ढूंढना और उसका फॉर्मेट बना के छोड़ देना। क्या हैव टू रीच वेयर? EAT, I have to reach where. अभी जो अवेलेबल है ना डेटा उसको डाल देना, या बस स्टेप नंबर 2। ये ब्लैंक डाल लिया, ब्लैंक के तो आप कर सकते हैं एग्जाम में भी। अब मेरा क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या अवेलेबल है? Do I have contribution with me? How much? 5000 rupees units into rupees 60 per unit, तो कितना होगा वो? Yeah. Can I say here my contribution will be how much? Everyone, 3 lakh. कैसे आया सर? So 5000 into 60, ये काम हो गया। अब उसके एफओसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास ओएल अवेलेबल है। ओएल कितना है अपना? सर ओएल 6 times होगा, तो ओएल इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईपीआईटी। तो ओएल कितना है? 6 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना है अपना? 3 lakh अपॉन EBIT, so your EBIT will be how much? EBIT is equal to 3 lakh divided by 6. So EBIT कितना आया? 50,000. तो क्या मुझे मेरे वर्किंग नोट से क्या मिल गया? EBIT मिला या नहीं?
खाली क्या किया, नंबर मेरे पास एक नंबर था और मेरा एक रेशियो था, नंबर में ओएल यूज किया, आई गॉट माय, डू यू अग्री? तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा, 50,000 एज पर डैश वर्किंग नोट नंबर 1. अब ये तो मिल गया. अब उन्होंने इंटरेस्ट दिया नहीं है, वापस एक और चीज दी, उसका नाम क्या है, FL, क्या, सॉरी क्या दिया हमें यहाँ पे, यहाँ पे हमें CL दिया है. क्या दिया है? CL. अभी है ना, सुनो ध्यान से, इसका शॉर्टकट है ये, पहले हमें सुनना, पहले फॉर्मूला ऑफ CL ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. अब CL का आंसर क्या है, 24. सो 24 इज इक्वल टू 3 lakh डिवाइड बाय EBT. डू यू अग्री? तो माय EBT विल बी हाउ मच, 3 lakh डिवाइड बाय कितना आ रहा है, EBT विल बी 12,005. पूरा सुनना तब तक बोलना मत. अभी ये मैंने डाला कहाँ पे, EBT में टैक्स कितना परसेंट है, 30%. तो 30% ऑफ 12,500 कितना होता है सर, 3750. तो आपका पोस्ट टैक्स वैल्यू कितना होगा, ये उन्होंने क्या पूछा था हमें, क्या पूछा था, EAT पूछा था ना हमें सर. तो हमने ये क्यों किया, इसको करने का जरूरत नहीं है, देख ले हम क्या कर सकते थे सेल. लेकिन मैं बताता हूँ क्यों किया, सुनो ध्यान से. एग्जाम के वक्त आपको बत्ती नहीं जलेगी कि मैं नीचे जाके डायरेक्टली करूं, क्योंकि आप उतने, या तो आपकी बत्ती जले ना, तो इफ यू आर वेरी अवेयर ऑफ इट, क्या मैं CL यूज कर सकता हूं, क्योंकि पता है CL का फॉर्मूला क्या है, कौन अपॉन EBT, और कौन मेरे पास है, और EBT मुझे चाहिए, तो मुझे क्या मिल जाता है डायरेक्टली EBT, EBT से मैं माइनस करता टैक्स, और मुझे क्या मिल जाता, EAT. लेकिन सर अगर हम ये मेथड से देखो, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां से ना 2 मिनट रुक जाना, मैं यहां से लिखता हूं मेथड 2. क्या हो गया ये, मेथड 2. अब मेथड 1 में मुझे सिर्फ क्या मिला है अभी तक, EBIT. अब EBIT मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, EBT. ध्यान से सुनना, कंबाइन लेवरेज, कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला पता है क्या है, ध्यान से सुनना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कैसा फॉर्मूला है, ओएल का, और EBIT अपॉन EBT कैसा फॉर्मूला है, FL का, बराबर. और कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू EBIT अपॉन EBT में से क्या कट कर सकता हूं मैं, EBIT. इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कॉमन लेवल इज इक्वल नथिंग बट OL इनटू FL. चेक करो CL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. और अगर मैं क्वांट अपॉन EBIT इनटू EBIT अपॉन EBT करता हूं, तो EBIT EBIT नलीफाई हो जाता है. इसका मतलब OL इनटू F इज इक्वल टू डैश. सिर्फ आपने आगे वाले सम में जब CL ढूंढा उसमें चेक करो OL में फिर के देखो क्या रहा आंसर, CL का आंसर आएगा. आपने OL और F मल्टीप्लाई करो अपॉन आंसर CL का आ जाएगा. चेक करो पहले वाले सम में जहां पे भी आपने CL ढूंढा है उसको क्या करो OL में फिर के देखो क्या रहा आंसर, सेम आ रहा है. उसका मतलब क्या सीखा कि सर OL इनटू F इज इक्वल टू CL, OL इनटू F इज इक्वल टू CL. अब यहां पे बेटा मेरे पास CL कितना है, CL का आंसर क्या है, 24. OL कितना है, 6 इनटू FL. FL कितना माना जाएगा, FL इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय इज इक्वल, FL कितना माना जाएगा, FL इज इक्वल टू, तो आई गॉट माय FL. हेलो, और FL जब मुझे 4 मिला बेटा, अब मैं क्या यूज कर सकता हूं, मेरा फॉर्मूला FL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT. तो मेरे पास FL 4 है, मेरा EBIT कितना है बच्चा, 50,000. कितना है, FL is 4, EBIT is 50,000 divided by EBT. तो EBT कितना माना जाएगा, 12,005. तो ये लॉन्ग कट था, तो मैंने क्यों सिखाया कि कभी ना कभी काम में आएगा, नॉट इन दिस सम बट इन एनी अदर सम. लॉजिक समझ में आया कि हम लोग कहां से गए, पता है, हम कंट्रीब्यूशन से EBIT पे गए, EBIT से EBT पे गए, और EBT से EAT पे जाएंगे. फुल होल रूट, बिग रूट लिया, पर यहाँ पे हम स्मॉल रूट से क्यों अवेलेबल है, क्योंकि CL था, CL CL रह गया, हम लोग मेथड टू यूज करते हैं, क्या मिल जाएगा, EBIT माइनस टैक्स EAT मिल जाएगा. यहाँ पे हमने सीखा कि हर फॉर्मूला में क्वांट और EBIT होता है, तो अगर क्वांट अवेलेबल है या EBIT अवेलेबल है, या क्वांट है और EBIT अवेलेबल नहीं, या EBIT और EBIT अवेलेबल
नहीं तो आप क्या ढूंढ सकते हो, आप सेकंड चीज ढूंढ सकते हो इफ यू हैव द लैंग्वेज अवेलेबल टू यू. समझ में आ रहा है? कौन अबाउट ईबीटी, ईबीटी ढूंढ सकते हो कौन से फॉर्मूला से, कंबाइन लेवरेज से. कौन अबाउट ईबीआईटी है और कौन डी आर, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सीएल नो ओएल. तो क्या ढूंढ पाओगे, ईबीआईटी. और ईबीआईटी और ईबीटी रिलेशनशिप पूछा गया हो, इसमें ईबीआईटी आपको ऑलरेडी अवेलेबल, तो आप क्या ढूंढ सकते हो, ईबीटी. पब्लिक लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज. मतलब आपको आगे में सिखाऊंगा कि रिलेशनशिप ऑफ टू हैज टू बी आइडेंटिफाइड, कौन से मामला में यूज हो रहा है, और उसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा ले सकते हैं. फिलहाल के लिए आप इसको सॉल्व करो. ईएटी का आंसर क्या आया, 8750. आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो. अब मेथड वन एंड मेथड टू दोनों को सॉल्व करके खत्म करो. आप खुद सॉल्व करो, खाली आंसर यहाँ पे चेक करना. मोक्षा, युक्ता, समझ में आया? दृष्टि, प्रिंसेस आपने कल अटेंड नहीं किया ना, प्रिंसेस? सर मुझे नहीं आया. तो आप मत करो आज अटेंड बेटा. अभी सुनो, आपने कल अटेंड नहीं किया ना, तो आज रहने दो, अभी कल से अटेंड करना. मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो देख लो पहले, क्योंकि आज समझ में नहीं तो नहीं आएगा. प्रिंसेस ठीक है, कल से ज्वाइन करो. स्टूडेंट बोले दर्शन दो, अभी मिला बच्चा सेशन में तो सेशन दे दी मुझे, हो जाएगी. लकी ने के जॉइन है,
बच्चों हुआ about it. हो गया सबका? तालिया था बाकी है इधर लिसन यार यहाँ पे ध्यान दो सब लोग देखो आई डिड समथिंग मुझे सुनना रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउ देखो समझना ऐसे होता है अगर आपको कॉन्ट या ईवीआईटी क्वेश्चन में दिया हो कॉन्ट या दिया हो अलोंग विथ इट आपके अलोंग विथ इट आपको पूछा गया हो टू फाइंड अनदर वेरिएबल मतलब अगर कॉन्ट दिया है तो ईवीआईटी पूछा है ईवीआईटी दिया है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है मतलब कॉन्ट और ईवीआईटी में से एक वेरिएबल मिसिंग हो तो हमें क्या अकल चलनी चाहिए और एक दिया हो क्या कल्चर जब क्या यूज करना चाहिए तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है और ओएल अवेलेबल है तो लेट मी फाइंड ईबीआईटी थ्रू ओएल कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए अगर ईबीआईटी या ईबीटी में से कुछ एक दिया है या तो ईबीआईटी या तो ईबीटी और साथ में फाइनेंशियल एवरेज दे दिया तो समझ में आना चाहिए आई बी यूजिंग एफएल टू फाइंड द रेस्ट फिगर इसका मतलब ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल के फॉर्मूला के अंदर क्या वेरिएबल्स है एफएल में क्या वेरिएबल्स है ओएल में क्या वेरिएबल्स है और कंबाइन में क्या वेरिएबल्स है दो दो वेरिएबल्स सब में है कौन सा मांगा है और कौन सा पूछा है कौन सा मांगा है सॉरी कौन सा दिया है और कौन सा पूछा है और इज गिवन टू यू व्हाट इज बीन डिमांडेड टू यू वो दो कहां कौन से फॉर्मूला में बैठते हैं व्हाट इज गिवन टू यू व्हाट इज डिमांडेड व्हिच फॉर्मूला डज इट सेट अप दैट शुड बी द फॉर्मूला व्हाट यू शुड फाइंड को समझ में आया जैसे कि उन्होंने ईबीटी पूछा था और कंट्रीब्यूशन दिया था तो हमें क्या अकल चलना चाहिए सर ईबीटी और कंट्रीब्यूशन तो कंबाइन लेवरेज काम करेगा दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप समझ में आया समझ में आया ठीक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ठीक है चलो ठीक है हमने क्वेश्चन कौन सा किया अभी के लिए हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन नंबर 6 किया अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पहला फेज जो रहेगा फाइंडिंग ओएल एफएल एंड सीएल क्या है एंड सेकंड फेज में ईपीएस भी ढूंढना है नाउ एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड हियर सुनो यहां पे एवरीवन लिसन हियर यू नो द ईबीटी क्या करते यू नो द ईबीटी क्या करते उसके बाद देखो माइनस क्या किया टैक्स क्या आएगा नेट प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स अब यहां पे अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या होते हैं प्रेफरेंस तो हम क्या करते हैं माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड उसके बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी होल्डर्स आपके फॉर्मूला आपकी एफएम की फर्स्ट डे शीट में लिखा है वो फर्स्ट डे शीट ऑफ एफएम में इनकम पूरा का पूरा और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने से हमें क्या मिलता है
अर्निंग्स फॉर शेयर। तो मैं यहाँ पे पहले आप लोगों के साथ यहाँ पे ध्यान देना, योर यू नो इस सम में वी हैव टू रीच टिल व्हिच सम व्हिच पार्ट टिल ईपीएस, कहाँ तक जाना है हमें। दे हैव आस्क्ड अस फोर थिंग्स इन द क्वेश्चन, क्या क्या, फाइंड आउट, फाइंड आउट। देखो ईएटी के बाद लेस क्या किया मैंने, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मुझे क्या मिलेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर विच होल्डर्स, इक्विटी डिवाइड बाय, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या मिल जाएगा आपको ईपीएस। जिन्होंने अटेंड नहीं किया ध्यान दो, आपको ईपीएस समझ में आता है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स में क्या काटेंगे, टैक्स, तो क्या बचेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो, तो नहीं दिया गया तो फिर काउंट नहीं करेंगे, इस समय भी दिया नहीं तो जीरो ही होने वाला है, कौन सा वाला पार्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद जो बचे वो किसके लिए बचा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होल्डर्स के बचा, डिवाइड बाय डैश, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, क्या मिलेगा हमें ईपीएस। वापस एक बार सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऊपर से क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या माइनस, क्या मिलेगा EBIT, क्या माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, टैक्स, क्या मिलेगा, EAT बोलने का, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो दिए थे डिविडेंड, शेयर माइनस नहीं करेंगे, क्या माइनस करेंगे, डिविडेंड, तो क्या मिलेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड बाय डैश, डिवाइड बाय नंबर, क्या मिलेगा, अर्निंग्स, समझा। अब ये फॉर्मेट को पहले कॉपी करो पूरा और फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे, रीड करेंगे। कॉपी द ब्लैंक फॉर्मेट, जाएगा ना इंसान वहां तो से मर जाएगा, इसके बीच यू कैन नॉट अलाउ एम्बुलेंस टू कम ओनली हियर, अवॉइड टू एनी अदर वे बट नॉट दिस वे। सो कमिंग इन दिस रूट लेस चांसेस। Just bring the format. Moksha, is format done? Yes, sir. Then, sabka ho gaya format. Ab question ko padhte hain. Question number kitna tha apna ye? क्वेश्चन में एक्स जेड लेवल इज कंसीडरिंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोजेक्ट, रुपीस 80 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेड सेल्स इज डैश 90 लाख, सेल्स मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट हाउ मच परसेंट ऑफ सेल्स, तो क्या मिल जाएगा, 9 6 9 5 45 9 6 50, कैसे यूज नहीं करेंगे, 54 लाख विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, तो 9 4 36, दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 10 लाख, ये आपका क्या हो जाएगा, एफओसी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट, क्या मिल जाएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, एबीसी से माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, डू यू अग्री। यस सर, इंटरेस्ट का वैल्यू तो हमें कितना मिलेगा सर, इंटरेस्ट का वैल्यू उन्होंने बोला है 40 लाख के, कितने के डिबेंचर्स है,
40 lakh इंटरेस्ट कितना है 12 तो 4 lakh 80 will be your इंटरेस्ट कॉस्ट 4 lakh 80 कैसे आएगा 40 lakh into 12% 40 lakh into तो यहाँ तक पहुंच गए उसके बाद माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सर नहीं है 0 rupees व्हाटएवर इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने शेयर्स दिए क्वेश्चन में हाउ मेनी लाख शेयर्स आर देयर सीधा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो 4 lakh शेयर्स कितने शेयर्स है 4 lakh तो आपको क्या मिल जाएगा अर्निंग्स पर शेयर शुरू कहां से करोगे सेल्स से कहां तक पहुंचोगे ईपीएस तक अगेन मिड वैल्यू ईपीएस फास्ट एवरीवन Everyone, are you understanding online? Give me a reaction. Mukta, Kusum, Moksha, Dristi. Solve karna shuru karo. वो आगे है लिखा है अपने पूरा फॉर्मेट अभी बनाया नहीं थे ना इसलिए I think Twinkle has got the right answer. Yes. What is your answer? EPS of 22 lakh 48,000. And you divided by number of shares? 4 lakh. EAT is 14 lakh 80,000.
चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो ये भी इस 22,88,000 एंड देन द नंबर ऑफ शेयर्स इज गोइंग टू बी 40,000. यहां पे देखते हैं, स्क्रीन पे ध्यान देते हैं. सेल्स वाज 84 लाख, कितना था? 90 लाख. सेल्स इज 90 एंड सेल्स के सामने वेरिएबल कॉस्ट वाज 54 लाख. सो यू अराइव एट टैक्स. आई विल कैलकुलेट टैक्स पे. आपको पढ़ना ही नहीं है टैक्स पे. सब टैक्स चोरी कर रहे, आप भी टैक्स चोरी कर रहे हो. अभी से कितना आया अपना, ये आया एफओसी कितना है? 10 लाख. एफओसी है 10 लाख. तो आपका ईवीआईडी कितना आ रहा है? 26 लाख. और ये कितना था? 4,80,000. तो कितना आया? 21,20,000. टैक्स कितना परसेंट था? 6,36,000. तो फिर ये 0 था, तो ये भी कितना हो जाएगा? वो भी लगी थी 4 डिवाइड बाय 4 लाख. चेक करो ये क्या गलती किया क्वेश्चन. अभी चुपचाप नीचे OLFLCL डाला. चांदी से पूछी थी OLFLCL और ECS. अभी फाइंड OLFLCL. OLFLCL. OL का फॉर्मूला पता है आपको? हाँ सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. You got 3.71. बाकी खाली ढूंढ लो OLFLCL. ढूंढ लिया? मुझे OLFLCL का आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि राइट ही होगा. अगर 3.71 यहाँ पर राइट आया तो ऊपर का सब राइट. People you have to get 3.71. चेक 3.71 आया क्या? पहले वो कंफर्म करो तुम लोग ऑनलाइन. 3.71 आया क्या? 3.71 आया क्या? बुक्सा बुक्सा इस चीज में आवाज़ चीज कर लग रहा है. हाँ कंडीशन आपको ऑफिस बंद. तो फिर आप ठीक है. तो वी हैव फिनिश्ड विद OLFLCL का पार्ट इन द फर्स्ट फेज, राइट? अब ध्यान से सुनना, ऐसा हो गया OLFLCL हो गया. तो क्या कर रहा है हमें ध्यान देना पीडीएफ पे. सेकेंड पार्ट क्या? डिटरमाइन द ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 420. क्वेश्चन नंबर का सेकेंड पार्ट पूछा है कि अगर आपका ईपीएस 4 है, 2 है या 0 है, आपको क्या ढूंढना है? ईबीआईटी क्या ढूंढना है? तो दिया क्या है, मांगा क्या है, दिया क्या है, व्हाट आर दे डिमांडिंग फ्रॉम अस? प्लीज फोकस हियर. अगर उन्होंने मुझे ईबीआईटी दिया और ईपीएस मांगा है ना बेटा, तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ देखो. आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड द डेटा इन रिलेशन टू यार वैल्यू ट्रांसफर करना था मेरे को. यहाँ की वैल्यू से चेक करो ईवीएस 260 आपका नॉर्मल है. यस और नो? अब उन्होंने ईपीएस कितना बोला अपने को? ईपीएस ऑफ 4, ईपीएस ऑफ 2 एंड ईपीएस ऑफ 0. तो मुझे कितने बार सम को सॉल्व करना है? और 3 बार विद ईपीएस ऑफ 0, 4 एंड 2. अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मैं मेरा ईपीएस को
फोर रखता हूँ, कितना रखता हूँ फोर, तो ये मेरा शेयर्स कितना है 4 लाख, तो अगर शेयर्स 4 लाख है और ईपीएस 4 है तो ये डी कितना होगा 16 लाख होगा, यस और नो, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इज 4 रुपीस, तो 4 रुपीस इनटू 4 इज 16 लाख, डू यू एग्री, डिविडेंड तो जीरो ही है, तो आपका ईएटी कितना हो जाएगा 16 लाख। अब ध्यान से सुनना, आपका ईबीटी और ईएटी में फर्क किसका है, टैक्स का है, हमें यहां पे दिखा देगा, यहां पे अगर आपका टैक्स, अगर आपका ईबीटी कितना रुपया है 100, तो टैक्स कितना रुपया होगा, तो आपका ईएटी कितना होगा, बोलो हाँ या ना, अगर आपका टैक्स कितना, ईबीटी कितना होता आपका 100, तो आपका टैक्स कितना होता 30, तो आपका ईएटी कितना होता, तो अगर आपका ईएटी कितना है 16 लाख, तो आपका ईबीटी कितना होगा 16 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 70, 16 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 70, तुम समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने खाली 100 का बेस बनाया ईबीटी पे, 100 डिवाइड बाय 70 कितना होगा, देखो 16 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय 70 कितना हो रहा है 22,85,714.29, 16 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय 70, 16 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय 70, 70 is equal to what? 16. तो भी before tax कितना होगा? अगर EBT 100 है तो EAT कितना है? 70. तो अगर EAT 16 है तो भी EBT कितना? तो 16 into 100 divided by 70. बोलो आया ना? ये आपको क्या आ गया? EBT. और ये interest rate वो तो fix है. तो 480 रहेगा. बोलो आया ना? तो आपका EBIT कितना होगा? This plus this. तो आपका EBIT कितना है? 276,5714. हेलो, नीचे से ऊपर. अब वापस एक बार यही चीज देखो, वापस सब लोग ईपीएस 4 दिया था, शेयर्स तो शेयर्स थे, वो तो चेंज नहीं हो रहे, तो मेरे को क्या मिल गया ईएटी, ईएटी पे डिविडेंड तो जीरो था, तो ईएटी नॉर्मल वाला 16 लाख मिल गया, अब ये कितना है 70 है, क्यों, टैक्स 30% है, तो अगर टैक्स बिफोर टैक्स 100 रुपीज है, टैक्स 30% है, तो फिर ईएटी कितना है 70 है, तो मेरा ईएटी है कितना वैल्यू में, तो 16 लाख इज इक्वल टू 70, 100 इज हाउ मच, 16,70,000 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपीज कितना, तो कितना आ रहा था 228.714, उसमें मैंने क्या ऐड किया फिक्स इंटरेस्ट, तो मुझे क्या मिल गया ईबीआईटी, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, पहले इतना कॉपी और फिर 2 से करो, सिर्फ किसे करोगे, 0 से मत करना, गलती होगी, मैं 0 करूंगा, इनको दिख नहीं रहा है, आपको दिखा अभी, प्लीज कंफर्म को दिख रहा है अभी, हेलो, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, चेक इट आउट गाइस, आपका क्वेश्चन कहता है कि आपका ईपीएस कितना है 4 रुपीस, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 4 लाख, तो अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख हो और ईपीएस 4 रुपया हो तो आपका ईएटी कितना होगा 16 लाख, सर कैसे 16 लाख डिवाइड बाय 4 लाख विल बी 4 रुपीस, तो 4 रुपीस इनटू 4 लाख विल बी 16 लाख रुपीस, डिविडेंड आपका 0 रुपीस है, तो आपका जो ईएटी आएगा विल बी अगेन 16 माइनस 0 इज 16, तो 16 हो गया, अब ये कहता है कि सर EAT अगर 16 लाख है तो फिर EBT कितना होगा, नो मैडम, लेट्स अज्यूम कि आपका EBT 100 रुपया है, लेट्स अज्यूम कि आपका EBT 100 रुपया है, अगर आपका EBT 100 रुपया है और आपका टैक्स 30% है, 30 रुपीस विल बी योर टैक्स, तो आपके पास जो बचा वो है 70 रुपीस, दैट इज योर EAT, मतलब अगर आपका EBT 100 रुपीस है, आपका टैक्स 30% है, तो आपका EAT कितना होगा 70 रुपीस, और ये कह रहा है कि सर ये 70 रुपीस है ना EAT, मान लो कितना है 16 लाख है, 16 लाख इज इक्वल टू 70 रुपीस, तो 100 रुपीस विल बी हाउ मच, 16 लाख इज 70, तो पॉसिबिलिटी का करना 16 लाख इनटू 100, 16 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय 70, 16 इनटू 100 डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा ईबीटी मिल जाएगा, ईबीटी वापस सर टैक्स 30% था, तो 100 ईबीआई, अगर ईबीटी को 100 माने, टैक्स 30 तक माने, तो फिर ईएटी कितना होगा 70 रुपए हो गए,
70 रुपए का जो EAT है इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू 16 लाख तो आपका EBT कितना होगा 22,85,715 अब ये EBT में हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करना है जो फिक्स्ड है 4,80,000 तो हमें क्या मिल जाएगा EBIT 2765.71 हमने क्या किया नीचे से हम ऊपर गए नाउ टेल मी वो समझ में आया हमने क्या किया प्लीज कंफर्म मोक्षा दृष्टि कुसुम नीचे से ऊपर गए मोक्षा यस एक बार ट्राई करो फिर मुझे पूछो वापस What is the first thing that we put the value in? What is for the EPS? 2. Where do we like first put the value? Niche EPS. Okay. The shares are 4 lakh beta. So you get your EAT. Again, gross multiply karoge. 8 lakh into क्या करोगे 100 divide by 7 तो आपको क्या मिलेगा 3 or 4 or 6 or 7 2 होने के बाद मैं आपके साथ आपको पूछते पूछते जीरो करवाऊंगा जीरो करने में आप का जीरो नहीं आना चाहिए मीना इज गोइंग टू टीच अस जीरो वाला पार्ट लेटर फ्रॉम बिट 2 वाला पार्ट फर्स्ट
So, Aminala, tell me, what is the answer for the third one? It's EPSC 0. Yes. I'm writing here 0. What should be my next step? What will be my EAT now? My stress will be 4 lakh, Amina. Yes. What will be my EAT for ESH? 0. Yes, it's 0. It will be? Aap logo ka exposure bahar aa raha hai, maths ka. Theek hai, the answer is 0. What is your dividend? Zero. So what will be your EAD? Plus bahar aa exposure. And this what? 0. Now what will be my EBD? Kitna hai EBD? 9 lakh 40,000. Agar aapne 1 rupaye bhi kamaya, you have to pay 30 paise ka tax. So how much will be your EAD? 70 paise. तो आपका ईबीटी जीरो होगा तभी आपका ईएडी हजार टू पे टैक्स 1 रुपए पे भी टैक्स देना पड़ता है 30 पैसे 100 रुपए पे 30 रुपए 1000 पे 300 रुपए अपना टैक्स. तो अगर आपको ईएडी जीरो का जीरो ईएडी जीरो है तो आपका ईबीटी भी जीरो होना तो कुछ करना ही नहीं है. कभी कभी जीरो में भी मार्क्स मिलते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि हमको पता नहीं कि हमको जीरो लिखना चाहिए कहाँ पे. जीरो लिखने के मार्क्स कौन देता है? इंस्टीट्यूट देता है 0000000. लेकिन बच्चा वहां पे क्या डाल के आएगा? नंबर्स डाल के आएगा. यहाँ पे अभी क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस और नो? और इस इंटरेस्ट जीरो या फुल एगेटी? जीरो या नहीं? जीरो नहीं, अभी जीरो नहीं आएगा. क्योंकि अगर ये फुल एगेटी मेरा ईबीआईटी होगा तो मेरा इंटरेस्ट 480 है इसलिए मेरा ईबीटी क्या होगा? जीरो. नहीं तो वो जीरो नहीं होगा. इसी के साथ आपका जीरो वाला आंसर खत्म हुआ. आपका आंसर जीरो हुआ लेकिन आपने गलत दिया. फिर भी खत्म कभी कर लो ये बात. वन से मोक्षा सेकंड पार्ट इज डन. Second and third finish karo. Or give an arrow from Nietzsche 2 for your reference in the future. Pick arrow. जीरो वाला भी हो गया तो उसमें करना क्या था? जीरो डालने थे. अदर्स ऑनलाइन हो गया सबका? ये तीनों पार्ट कैसा लगा? ये नीचे ना एक नोट लिखो सब लोग. अंडरस्टैंडिंग अराइवल ऑफ ईबीटी फ्रॉम ईएटी. Understanding arrival of EAT from EBIT. EBT from EAT. The arrival of EBIT from EPS. No, no. Understanding arrival of EBT from EAT. From EAT. Okay. मेरे को क्या लिखा है यहाँ पे? ये EBT था. ये क्या है? Tax तो ये क्या है? राइट. अब बेसिस ये बनाना है कि व्हाटएवर इज योर टैक्स, व्हाटएवर इज योर टैक्स रेट. से इफ योर ईबीटी ऑलवेज अज्यूम ऑन ईबीटी एज 100, से आई एम टेकिंग टैक्स रेट ऑफ 40% हियर. 40% व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स? 40. व्हाट विल द अमाउंट ऑफ टैक्स? 40. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईएटी? 60. तो ये आपका रेशियो बन जाता है कि 100 शुड बी ऑलवेज योर ईबीटी. And if you have EAT of rupees 10 lakh, here an example. So if you want to arrive at EBT, what will you do?
क्वेश्चन में टैक्सेस दिया था 40% और ईवीडी दिया था, ईएडी दिया था 10 लाख एंड अराइविंग फ्रॉम ईएडी टू ईबीटी, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे सर, 100 रुपया मान लो ईबीटी, क्या मान लो पहले 100 रुपया ईबीटी मान लो, टैक्स कितना है 40%, तो 40 रुपया क्या हो गया टैक्स, तो आपका ईएडी कितना है 60, तो 10 लाख 60 है तो 100 कितना, 10 लाख इज 60, व्हाट विल बी द 100, तो आपको यहाँ पे से क्या दिखाने का है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू गेट दिस वैल्यू, आई जस्ट वांट यू टू राइट इट डाउन सो दैट इस पूरे प्रॉब्लम में आपको वापस क्या याद नहीं आएगा, सर ये नीचे से ऊपर कैसे गए, ईएडी का पार्ट याद नहीं आएगा, तो ये वाले पार्ट में यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे हम लोग एरोस, ये आपका x होगा, तो आपको करना क्या है, this into this, 10 lakh into 100 divided by 60, 10 lakh into 100 divided by 60, समझा, तो ये अलग चीज सा जमे रखा दिया, अब आपको नेक्स्ट सम के पहले नेक्स्ट सम व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर, नहीं ये नहीं है, नेक्स्ट सम व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन नंबर 12, पर क्वेश्चन नंबर 12 को समझने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी, तो आप है ना क्वेश्चन 12 लिखो एज अ हेडर और एक एक कॉन्सेप्ट लिखा था उतना लिखो, फिर आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 12 भी, कॉन्सेप्ट का बेसिस ये है, सब लोग लिखिए, लिखो एग्जाम्पल, लिखो क्वेश्चन मटेरियल, लिखो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल, राइट द हेडिंग कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल बिफोर वी डू क्वेश्चन नंबर 12, तो लिखो वहां पे, इफ एफ एल इज 2 टाइम्स, इफ एफ एल इज 2 टाइम्स and interest is 10,000, interest is 10,000, find EBIT, find बस डेटा खत्म, आपको जो डेटा दिया मैंने एफएल कितना बोला 2 और इस इंटरेस्ट 10,000 और एपीआईटी ये आपको ढूंढना है, क्या ढूंढ सकते हो चेक करके बताओ, फिर फॉर्मूला एफएल, एफएल का फॉर्मूला एबीआईटी अपॉन एबीटी, बराबर एफएल कितना है 2, एबीआईटी दिया आपको नहीं, एबीआईटी दिया आपको नहीं, क्या ढूंढना है आपको, ये कैसे ढूंढोगे बताओ, वो चीटिंग कर रहे हैं ना सर, दोनों डेटा ईबीआईटी भी नहीं और ईबीटी भी नहीं, हाउ विल यू फाइंड इट, लगाओ कल एवरीवन ऑनलाइन, हाउ विल यू फाइंड ईबीआईटी, कुछ नहीं करना है।
सुनो यहाँ पे टू इज इक्वल टू ऊपर तो EBIT है. What is EBT? See the income statement. What is EBT? EBIT minus interest is EBT. See the income statement. What is EBT? EBIT minus interest. तो यहाँ पे one minute. EBIT minus interest. अभी आपका interest available है कि नहीं है? है. तो अभी EBIT आपको क्या बन गया पता है? X क्या बन गया? X. अभी two is equal to EBIT upon EBIT minus 10,000. फिगर मिसिंग हो गया आपका सिर्फ एक कौन सा EBIT नाउ. अरे समझा के नहीं. टू इंटू EBIT माइनस 10,000 इज इक्वल टू EBIT. एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ EBIT. गेट मी द वैल्यू ऑफ EBIT. ओपन अप करो एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ EBIT. अपने डोर के पीछे है ना अपना शुराक है अपने मेन डोर के पीछे बाजू वाला शुराक है ना और वो डॉक्टर्स डोर का शुराक है उसका संख्या है तो भर जाता है तो पूरे शुराक उसका यूज करो अपना वाला वो वाला मत यूज करो. सब क्लास बिगाड़ दे वहां पे भी जाके सबको बोल दे चलो बाहर निकलो तो व्हाट इज आंसर. सो यू नो द ट्रिक व्हाट इज गोइंग टू बी डन. समटाइम्स यू डोंट हैव वैल्यू अवेलेबल यूज दिस रिप्लेसमेंट थ्योरी समझा. अभी सम को देखते हैं. हमने सम नहीं किया बच्चों एग्जांपल किया है. सम हो गया भाई. नाउ वी आर डूइंग हियर व्हाट. From the following financial data of company A and B, prepare their income statement. So, आपको है ना sales से लेकर EAT तक कहाँ तक? Sales से लेकर EAT तक का क्या बना दो पहले format. कहाँ तक का sales से लेकर EAT का format बना दो सब लोग पहले. You have to make two formats here. You know why? वो दो companies हैं. समझा क्या? So make a format with having two columns. कंपनी ए एंड कंपनी बी एंड मेक इट टिल विच वैल्यू टिल EAT. मेक दिस फॉर्मेट एवरीवन.
तो मेरा है फॉर्मेट बनाया दोनों का, अब क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप एवरीवन हैज डन द कंटेंट। कंपनी बी ना, तो आप लोग ने बी लिखा ना, कहीं लिखा? हाँ ए बी लिखा, सी ए बी ए कंपनी बी बराबर, ठीक है। तो कंपनी ए एंड कंपनी बी में Whatever amounts are available of company A, let me finish it off first. आपके पास कौन सा अवेलेबल अमाउंट है? 56,000. Let me write it down. What? यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? 56,000. माई वेरिएबल कॉस्ट हाउ मच गाइस? 56,000. क्वेश्चन में दिया है, हमने डायरेक्ट डाल दिया. Let's see the question again. 56 लिखा था variable cost. What is the fixed cost available to you? Fixed कितना है? Let me write it down. पहला नियम क्या है? जो है वो दे दो. Here are 20,000. And they have given interest how much? 12,000. तीनों चीज हमने लिख दी. 56,000, 20,000 and 12,000. Do you agree? 56,000, 20,000 and 12,000. So, ये तो हो गया. अब क्या करें? So, देखते हैं और क्या दिया है क्वेश्चन में. They have given a tax rate of how many percent? 30. And they have given FL of how much? 5. तो सर दो चीज और अवेलेबल है. टैक्स ऑफ, तो यहाँ पे लिखते थे ना 30%. यहाँ पे लिख देते हैं. FL कितना है भाई लोग अपना? 5:1. EBIT upon EBT is 5:1. बराबर. अब ध्यान से सुनना सर, 5 इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस, इससे मैंने करवाया था आपको वो वर्किंग. अब 5 इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस 12,000. बोलो हाँ या ना. तो EBIT कितना होगा बोलो मेरे को. तो EBIT कितना होगा मुझे बोलो, चेक करो. चेक करो कितना आ रहा है. 15,000 आएगा. 60/50, 4. तो आपका EBIT यहाँ पे आया कितना हजार, सुनो ना यहाँ पे 15,000. जैसे EBIT 15,000 आया, आप EBIT में क्या ऐड करोगे? FOC, तो कितना होगा ये कॉन्ट्रीब्यूशन? 35,000. डू यू अग्री? और उसमें क्या ऐड करोगे? वेरिएबल कॉस्ट. तो क्या जाएगा आपको? सेल्स. तो यहां तक पहुंच के आपको क्या मिल गया? सॉरी कैसा हुआ, और यहाँ पे ऐड किया ये, तो कितना मिल गया आपको? सेल्स 9,000. नीचे जाएंगे तो EBIT के बाद इंटरेस्ट माइनस किया तो कितना होगा EBIT? टैक्स कितना होगा आपका 30% के हिसाब से? सर तो आप कैसी यूज कर डाल दो 900 रुपया सीधा. यस, तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका 2100. क्या आएगा? 8. थोड़ा है ना. तो आपने, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या सिखा रहा था आपको, कि फाइंड एंड प्रिपेयर द एंटायर इनकम स्टेटमेंट. सिर्फ एक ही वकी नोट, एक ही वकी, जिससे हमें क्या मिल जाए? EBIT एंड नथिंग गॉट सॉर्टेड. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? EBIT के बाजू में वर्किंग नोट नंबर 1, इससे आपका काम हो जाता है. फिनिश करो. कंपनी बी ऐसे ही थोड़ा अलग होगा, लेकिन कंपनी बी आपको ट्राई करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा. कंपनी बी आपको ट्राई करना है, पहले कंपनी ए कॉपी कर लो सब लोग, फिर कंपनी बी ट्राई करेंगे. ऑनलाइन वाले बच्चे पहले मुझे मैसेज करो, ऑडियो ऑन करके मुझे बोलना सर आप क्वेश्चन दिखाओ. फिलहाल मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ. इंडिया का मैच है, हम खेलेंगे. Thank you.
ये समझा मैडम छोटे चालू कर दिया इस यहाँ पे वो बच्चा बैठा था कौन सा बच्चा बैठा है ना इसी जगह सेकंड पार्ट डन बी आया क्या है आंसर बी के बोलो तो सेल्स कितना है वेरी गुड मुझे नंबर याद है मेरा समटाइम्स यू गिव यू वेरी गुड आंसर समटाइम्स यू डोंट गिव जीरो आल्सो इट इज व्हेन यू आस्क मी आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 चेक करो कितना है 31,500 हाउ सर लेट मी डू मुझे नंबर अलग लगा मुझे लगा कि वो नंबर नया है मैं कराता हूं लेट लेट्स अदर्स फिनिश इट सुनो It is Yukta, it is correct. 1050 is correct answer. 1050 sahi hai, yaad hai mujhe. Nahi, nahi, aisa thodi hota hai. Apun karte na. Kuch kahin se bhi tu kar, answer tera same hi aayega, beta alag alag thodi aayega. Kaun sa bhi tu ghuma fira ke karega. See here, aapke paas interest kitne 9,000 hai aur sales 1,05,000 diya hai, right? तो सेल्स 1,05,000 दिया था और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में देखो 60% ऑफ सेल्स बराबर तो वो 60 यही है कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन कैन यू सी द एक्सेल शीट चलो तो अभी आपको कौन तो बराबर है अगर एफओसी अभी के लिए नहीं आपके पास है आपके पास क्या अवेलेबल है FOC नहीं है जो डेटा वो है वो लिख दो पहले कितना 9,000 है एक्सेल में आपका एक्सेल शीट में इंटरेस्ट 9,000 और आपके और क्या दिया है ओएल कितना दिया आपको क्वेश्चन में 4:1 मैं यहाँ पे क्या लिखूं ओएल ओएल इज इक्वल टू कॉन्ट अपॉन आपको बहुत दुख होगा अगर आपको ये नहीं आंसर आया ना 4 इज इक्वल टू कॉन्ट अपॉन कॉन्ट माइनस FOC अभी आपके पास 4 is equal to quant upon quant minus FOC कितना है अपना 31,000 रुको ना रुको आपको FOC दिया है आपके पास quant है ना तो अपने पास 4 is equal to 42,000 upon 42,000 minus FOC, right? So, what is the amount of, what is the answer of
FOC. कितना रहा आंसर FOC का बोलो? 4 × 42,000 − FOC = 42,000. 4 × कितना हो रहा है आपका ये? 40, ये आ रहा है आपका 168, right? 168 − 4 FOC = मैंने क्या किया तुम लोग के साथ रह के गलती कर रहा हूँ. रुको, आपका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला कॉन्ट अपॉन कॉन्ट माइनस एफ एक्स करेक्ट. तो आंसर क्या आ रहा है उसका बोलो ना. सर 4 = 42,000 ईबीआईटी किया ना, ईबीआईटी का वैल्यू सीधा वही. सर ईबीआईटी है अपने पास? नहीं, एक मिनट रुको. अबे रुकना, एक मिनट रुको. 4 let me check this stuff जो किया है वो −4 FOC is equal to 42,000. तो आपका 168 − 42,000 is equal to 4 FOC. कितना हो रहा है अभी बोलो? 42 माइनस करो इसमें से कितना हो रहा है? 126 is equal to 4 FOC. तो FOC कितना हो रहा है? 31,500. मैंने सिर्फ क्या किया, जो फॉर्मेट आपने पहले यूज किया ना उसी फॉर्मेट को यूज किया. अभी FOC 31,500 आने के बाद आपका यहाँ पे जाएगा FOC 31,500. तो ये आपका क्या होगा? 10,500. फिर ये 10,500 आ गया, फिर माइनस किया तो क्या आ गया? 1,500. और फिर इसमें से आपने 0.30 माइनस किया तो आपका आ गया 1050. ऊपर कुछ बाकी है? कुछ बाकी नहीं है. एक सेकंड रुक जा बेटा, ये 1050 आपने सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाई. कौन सी वाली? FOC की वर्किंग नोट नंबर 2. ये FOC की वर्किंग नोट. अभी बोल EBIT find उन्हें किया, right? तेरे पास क्या था? अवेलेबल डेट था EBIT के लिए. तेरे पास OL था तो तूने सीधा EBIT ढूंढ लिया. और EBIT ढूंढने के बाद मेरा इंटेंशन क्या था कि जो रिप्लेसमेंट थ्योरी अपन ने A में यूज की, रिप्लेसमेंट थ्योरी यूज करके करने से वो क्या होगा, रिप्लेसमेंट थ्योरी समझ में और ग्रेंडेड होगी. तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, OL का फॉर्मूला के EBIT मिल जाता, EBIT से नीचे का पार्ट मिलता, EBIT से ऊपर का पार्ट मिल जाता एज अ डिफरेंस फिगर. कंट्रीब्यूशन और ईबीआईडी के बीच का फिगर आप देख लीजिए, FOC बन जाता है ऊपर से. क्लियर है? चलो प्रॉपर हो गया स्वामी. वेरी गुड, सबका हो गया. ऑनलाइन पीपल डन? हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा. एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं अभी, छोटा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, आपके सामने 5 मार्क का 5 मिनट के लिए. आई गिव डेरिवेटिव गिव यू दिस आंसर. सबसे पहले वाला आंसर डेरिवेटिव दूंगा 12th के लेक्चर में. आज नहीं, जो आंसर रहेगा उसको डेरिवेटिव दूंगा कल. क्वेश्चन नंबर 11 सब आंसर करी वैल्यू 1000 के बजाय 5000 शायद मिक्स शो. स्टूडेंट्स आउटपुट 5000 आती है. इधर तो मैं क्यों फटाफट कर रहा हूँ.
बच्चों आंसर आया आप लोगों को ये 1750 मोक्षा ट्विंकल एंड कुसुम हैज गिवन दिस आंसर इनका हो चुका है क्वेश्चन 10 कर लो और क्वेश्चन 10 भी आज ही करना है आपसे होगा कम मैं लेवे ढूंढना है मेक इनकम स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट इट विल बी इजीयर फॉर यू टू डू इट अदर्स प्लीज ध्यान देना कुसुम एवरीवन क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान रखना कम ऑन किसी ने मुझे बोला ही नहीं कि हो गया चॉकलेट के लिए लॉस्ट इट वैसे मत बोल फटाफट करके बताओ चलो मुझे वैसे मत टाइम ऐसा टेन हो गया टेन हो गया 3.75 आया बच्चों ऑनलाइन 3.75 यस सही है Thank you.
आपको इधर बैठना तो आपको ध्यान क्वेश्चन नंबर 10 हुआ हो गया सबका आया क्या था आंसर 3.75 जो 9 करो चलो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट सम होते थे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सम गिरा आज बहुत सम पावर कनेक्शन आज सर ने कोई भी किस राशि का आप उच्च तमारो कार्पेंट लगा के तमारो मेरे बारे में कार्पेंट का वही जैसा इस खाली भूल चल जो बात आने के लिए चाहिए तो करो वो समय का लाइट करें नगाड़ी में नगाड़ी में किले बस जो भी यह पावर कोड मॉल तो है आने के लिए कार्ड करें है तो ठीक है यहाँ सॉफ्टवेयर लग गया जरूर हो गया क्या सच्ची व्हाट इज द आंसर एवरीवन 1.666 टेक योर आंसर्स गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 9 का आंसर बोलो ये लोगों तो मैं शेयर स्क्रीन ही नहीं करा था इसमें क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 1.66 है 1.5
1.66 and 1.5. I've got two answers online. No, sabka aaya. Time mat karo, shanti se karo. Jinka nahi hua, solve karo. Kiya tune? जो नहीं है ना वो अपन यहाँ पे ऐड किया हो गया It's done. We'll be continuing again the same stuff tomorrow, and mostly tomorrow we'll be able to finish off the entire leverage, some sort of mental leverage. So, कल के बाद Thursday से we'll start with accounts, for the 70 जो accounts. तो चार पांच दिन का एक सेशन होगा वो खत्म होने के बाद वो सारी कॉस्ट होगा ठीक है तो तुम लोग को तो ये संडे अच्छा सॉरी कल अपन अपने डिविडेंड भर लिया तो कल एक घंटा अपन क्वेश्चन से डिविडेंड भी करेंगे वन आवर्स क्वेश्चन तो द संडे टेस्ट विल बी व्हिच टेस्ट डिविडेंड व्हिच वन डिविडेंड टिल द एंटायर डिसंबर विल हैव संडे हॉलिडे लेक्चर्स नहीं होंगे बट टेस्ट होगी हर संडे टेस्ट होगी लेकिन हर संडे को टेस्ट में इस संडे का टाइम टेबल क्लियर है कि हमारे कौन सा टेस्ट होगा डिविडेंड का नेक्स्ट संडे कौन सा टेस्ट होगा लेवरेज का और तब तक क्या फिर जाएगा पैसे का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसमें आपका थर्ड टेस्ट कौन सा कंफर्म होगा अकाउंट्स का तो आपके अगले तीन टेस्ट कंफर्म है कौन से लॉ का डिविडेंड नंबर टू लेवरेज और नंबर तीन फिर भी अकाउंट्स टॉपिक जॉब करो तब तक वापस कॉस्टिंग का कोई टॉपिक हो जाएगा तो जो स्केड्यूल टाइम है कि आपका प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट कल हम लोग एक टेस्ट सॉल्व करेंगे कल एक पेपर सॉल्व पेपर मतलब पेपर्स करेंगे कौन से डिविडेंड में फिर आपको शेयर कर दूंगा उस बेसिस पे आपको आपकी टेस्ट प्रिपेयर करेंगे ठीक है सही बाय ठीक है गाइस क्लियर है आप लोगों को एक क्वेश्चन हो गया नाइन नाइन था ना कौन सा था इज नाइन डन Yes, sir.